edge. Hello everyone, welcome back. Being a homemaker is a very monotonous thing. रोज वही काम, तीन टाइम खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, वर्क बैलेंस, उसके अलावा घर के ना ख़त्म होने वाले हजारों काम. बट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं हैप्पीनेस ढूँढती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में इन माई एवरी डे लाइफ. दिखाओ, ओपन करो हैंड. कनाडा की समर्स ऐसी हैं कि आई और कब गई पता ही नहीं चलता. बट एक चीज़ जो मेरे को बहुत हैप्पीनेस देती है वो है समर्स के टाइम पे बैकयार्ड में बैठना, बहुत ही अच्छी धूप लेना, और उसके अलावा जो अपना गार्डनिंग का थोड़ा बहुत शौक है उसको परस्यू करना. सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या लगती है? कि आप जब कुछ चीज़ उगाओ और वो वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप हार्वेस्ट करो. रिसेंटली काफ़ी सारी चिलीज और टमेटोज आ रहे हैं जिनको आज मैंने हार्वेस्ट करा है, एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट. है ना, छोटी छोटी हैप्पीनेस लाइफ में कितनी वर्थ इट. ये तो बनी नहीं है. एवरी मॉर्निंग उठ के गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाना मुझे बहुत पसंद है. कितना अच्छा लगता है ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ एकदम स्क्रैच से बनाओ. अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरे को बहुत टाइम लगा हर चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट करने में. स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे पैकेज मिलती हैं, बहुत मुश्किल होता है आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख पाओ. बट धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाते हो, और जब आप पूरा स्क्रैच से खाना बना के गर्मा गर्म अपने बच्चे को सर्व करते हो ना, तो वो हैप्पीनेस ऐसी है जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती शब्दों में. ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि वो मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छे से इंजॉय करती है, और मुझे पता है कि वो काफ़ी न्यूट्रिशियस मील ले रही है. कनाडा मूव करने के बाद काफ़ी सारे माइलस्टोन्स आए. उनमें से सबसे बड़ा जो माइलस्टोन था वो था अपना घर लेना. अपने घर की बात ही कुछ और होती है. उसके साथ आपको जो फ्रीडम मिलती है अपने घर को अपने तरीके से सजाना, आपके घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स पे ध्यान देना, सो डेट घर आपको रिफ्लेक्ट करे. वो कहते हैं ना कि जैसा आपका घर का स्टाइल होता है, लोग बहुत ईजिली समझ जाते हैं कि आपको कैसी चीज़ पसंद है अपनी पर्सनल लाइफ में. ये वाली चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है जब आपको फ्रीडम मिलती है अपने तरीके से चीज़ें करने की जो आपको खुश रखे. मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग है मेरा यूट्यूब करियर. आप लोगों के सपोर्ट के बिना जो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता. डे वन से ही आपने बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से एक रेगुलर जॉब की तरह ही आपके जो गोल्स होते हैं ना वो पूरे करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो. ऐसे ही मैं अपने गोल्स पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, जिसकी वजह से मैं उन ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और उन्हीं में से एक है मैकटेम. हु एल्स इज टायर्ड ऑफ डीलिंग विद टैंगल नॉटेड एंड मैसी चार्जर वायर्स? इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? दे आर ऑलवेज गेटिंग इन द वे एंड इट्स अ हैसल टू अनटैंगल देम. That's why I'm thrilled to introduce you to Mactim Magnetic Cables. These innovative cables are designed to keep your space organized and clutter-free. As you can see, these cables are equipped with strong magnets that keep them tidy and untangled. No more messy wires. These support fast charging, supports up to 240 watts charging and 20 Gbps transfer rate. These cable pulling force up to 30 kg. These are wrapped in nylon braided fiber material, stronger, more durable and longer lasting than traditional charging cables. Mactim offers 6 series of their products, for example Nexus, Surge, Thunderbolt, Axis Duo and an adapter. The magnet is so powerful. You can also keep it in your small bag just like me and travel freely. You can also use this in your car as well. And if in case you didn't have a car or a bag, you can also wrap it around your wrist. Interference is made of LCP high heat resistance and fireproof material, which protect the device from fire, explosion and other harmful events during the charging process.
I have been using these cables for a while now and I can honestly say they are lifesavers. My workspace is more organized and I can focus on what matters. So let me show you the shocking before and after, and I absolutely enjoy using these. These MagTame magnetic charging data cable are definitely worth the hype. There are other options as well. You can check out the link in the description box. So I will be adding a discount code for all of you so that you can save some dollars. हम सभी एक ऐसे era में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक को completely independent होना चाहिए. ये चीज मैं अपनी बेटी में देखने लग गई हूँ अभी से, जो मुझे बहुत खुशी देती है. सच में आप जो अपने छोटे से बच्चे को अपने सामने बढ़ते हुए देखते हो और देखते हो एवरी डे के चोर्स बहुत आराम से करता है विदाउट एनी हेल्प, उससे जो खुशी मिलती है डैट इज कम्प्लीटली प्योर. मेरे हिसाब से बहुत सारी लेडीज के लिए सुकून होता होगा एकदम साफ सुथरा किचन. मैं अपने घर में जब भी मील प्रिपेयर करती हूँ उसके बाद सिंक क्लीन करनी और जल्दी से दूसरी मील की तैयारी करने से पहले किचन को क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज मेरे को वो मोटिवेशन ही नहीं आता. जितना क्लटर होता है वो क्लटर देख के ना बहुत अजीब सी अनप्रोडक्टिव फीलिंग आती है. आई फील सो प्रोडक्टिव जब मैं अपनी हर मील के बाद किचन क्लीन रखती हूँ, और जब मेरा सिंक क्लीन होता है तो बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट सी फील होती है. डू लेट मी नो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है. आप भी प्रोडक्टिव तब तक नहीं फील कर पाते जब तक किचन काउंटर एकदम क्लीन ना हो और सिंक एकदम बर्तनों से खाली ना हो. एक और चीज़ जो मेरी एवरीडे लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेके आती है वो है मेरे घर में लगे हुए अप्लाइंसेस. नॉर्मली यहाँ पे हाउस हेल्प्स होना कल्चर में है ही नहीं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. इसीलिए कैसे आपके घर के थोड़े बहुत अप्लाइंसेस आपकी कितनी हेल्प कर देते हैं और जो वो हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इतना सारा काम होता है घर को मैनेज करने का. इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट कि मैं अपना घर विदाउट हाउस हेल्प कैसे मैनेज करती हूँ, और ये उसमें मेन पार्ट है. आजकल बच्चों के साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है, स्पेशली ये सोशल मीडिया के एरा में जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम फोन्स में लगाते हैं और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं कि वो बच्चों को चाहकर भी टाइम नहीं दे पाते. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं मैं घर से काम करती हूँ और इसी वजह से मैं शार्लेट को काफ़ी टाइम दे पाती हूँ एवरी डे. नॉट जस्ट इसकी वजह से हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, बट जो भी मेरे को स्ट्रेस होता है, अकेले रहना भी कोई इतना ईजी नहीं है. आप अपनी लाइफ की कोई भी बात आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते. फ्रेंड्स और फैमिली साथ होने से आप काफ़ी स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो, है ना. लेकिन ये सारा स्ट्रेस मेरा रिलीज होता है शार्लेट के साथ टाइम स्पेंड करना, जिसकी वजह से आई फील सो हैप्पी. तो रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें बहुत ही नोन ब्रांड के प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिसकी वजह से कैंसर जैसी चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं. तब से ही मैंने कोशिश करनी स्टार्ट करी है कि घर में जितने हो सकते हैं सारे मसाला मैं होममेड बनाऊं. आफ्टर ऑल इंडियन कुकिंग ही क्या जिसके अंदर मसालाज होममेड ना डलते हों, इज़न्ट इट. आजकल हमारी लाइफ पैकेज फूड के आसपास बहुत रिवॉल्व करती है, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिज़र्ट तक. उन सब में कितनी सारी चीज़ें हम लोग अननोइंगली कंज्यूम करते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, और उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. ये चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देती है वो है घर में ज़्यादातर चीज़ें स्क्रैच से बनाना. तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक जो जो डला है सब कुछ न्यूट्रिशियस है और हेल्दी है आपकी फैमिली के लिए. मेरे हिसाब से इस फैक्ट से आप भी अग्री करते होंगे कि जो घर में बने मसाले होते हैं उनका अरोमा आप बाहर के पैकेज मसालों से कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते. इवन क्वांटिटी भी, घर के बने मसाले आप 1/4 स्पून डालो तो वो इतने ज़्यादा फ्लेवर देते हैं कि बाहर के एक फुल स्पून में भी वो फ्लेवर नहीं आता है. आफ्टर ऑल हैप्पीनेस है ना अपने हाथ की बनाई चीज़ों में और जानने में कि सब कुछ सेफ है. हाँ.
आई बिलीव जितना आप अपने लाइफ में ग्रो करते जाते हो उतना ही आप घर के बने खाने से क्लोज होते जाते हो। आई रिमेंबर दोज डेज जब मैं कंप्लेन करती थी अपनी मम्मा से कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं है या मुझे भिंडी लौकी घिया तोरी ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अब मेरे को ये सारी चीज़ें बनानी पसंद है और आराम से बैठ के अपना घर का बना खाना इन्जॉय करना बहुत पसंद है। और ये सारी हैबिट्स मैं अपनी फैमिली में डालने की कोशिश कर रही हूँ। फ्यूचर का तो पता नहीं, फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी खुशी होती है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना ये कि आपके घर में इतना खाना है कि आपकी फैमिली के लिए तो इनफ है ही है, बट अगर आपके घर में कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आते हैं तो आप क्विकली अपने घर में रखे खाने से कुछ भी उनके लिए बना सकते हो। मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है सोच के कि मेरा घर हमेशा रेडी होता है किसी को भी वेलकम करने के लिए। माई डॉटर इज़ माई बिगेस्ट ब्लेसिंग। बहुत कम एज में उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं बट वो कभी हार नहीं मानती है, और उसकी यही क्वालिटी मेरे को बहुत इंस्पायर करती है कि मैं भी लाइफ में कुछ ऐसा करूं कि कल को वो भी अपनी मम्मा पे उतना ही प्राउड हो जितनी मैं अभी से उस पर प्राउड फील करती हूँ। आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स मिले होंगे जहाँ पर आप भी अपनी लाइफ को रिकलेक्ट कर सकते हो, हैप्पी हो सकते हो एक मोनोटनस रूटीन में भी। आई शेल सी यू ऑन वेंसडे, टिल देन टेक केयर, बाय।